नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नैना ऑफिशियल पे। तो मैं आज आई हूँ चटपटा सा नाश्ता लेकर, जो आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो इसके लिए आप ले लीजिए बेसन, उसमें डालिए हल्दी, लाल मिर्च और आमचूर पाउडर, और अगर आपको लगे तो हल्का सा नमक भी डाल दीजिए। अब हम इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे, चम्मच से बकायदे से आप मिक्स करके ज़रा ज़रा सा पानी डाल के इसका एक गाढ़ा सा हम लोग पेस्ट बनाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा सा ही पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट टाइम आप बना रहे हैं तो थोड़ा सा ही बना के पहले देखिए कैसा बन रहा है, फिर आप उसको ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं पीनट, यानी कि कच्चा बादाम, मसाला बादाम, जिसको बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में चाय के साथ, और बारिश के मौसम में तो ये होना ही चाहिए। तो हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे मसाला बादाम। इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे पेस्ट बना ली है, और पेस्ट इसी तरीके से रहना चाहिए। अब मैं इसमें डाल दूँगी मूँगफली, जिसे बहुत लोग कहते हैं कच्चा बादाम, ये है मूँगफली। मूँगफली को इसमें डाल के खूब अच्छे से इसे आप फेंट लीजिए। पूरी मूँगफली में बेसन अच्छे से लपटा जाना चाहिए। उसके बाद एक कढ़ाई रखिए गैस के ऊपर, उसमें डालिए आप तेल, और तेल को होने दीजिए गरम। जब तेल गरम हो जाए तो आंच को कर दीजिए मीडियम पे, और आप इसी तरह से चम्मच से डाल के फिर दूसरे चम्मच के उसे फैला दीजिए, ताकि हर एक एक मूँगफली का है ना जो दाना, वो अलग अलग हो जाए। और उसे सुनहरा होने तक बढ़िया से फ्राई करिए, ताकि अंदर का बेसन कच्चा ना रहे और मूँगफली भी कच्चा ना रह जाए। बहुत अच्छे से इसे फ्राई करके आप निकाल लीजिए, और फिर इसमें आप मसाले ऐड कर दीजिए। मसाले में आप डालिए लाल मिर्च, आमचूर पाउडर और नमक, उसके बाद से चाट मसाला, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब लगेगा खाने में। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन अब टुन से जाए है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने बादाम को सुनहरा होने तक का लाल किया है बहुत अच्छे तरीके से। इसमें आँच आप तेज़ मत करिएगा वरना जल जाएगा। धीमे आँच में, बहुत धीमे नहीं, मीडियम फ्लेम पर आप इसे अच्छे से फ्राई करिए। फ्राई करने के बाद आप इसे इस तरीके से निकाल लीजिए, बिल्कुल भी आपको तेल इसमें पता नहीं चलेगा। अब इसको एक थाली में डाल लीजिए, और जो मसाले मैंने बताए हैं उस मसाले को खूब अच्छे से इसमें डाल के आप मिक्स कर लीजिए, और एक एयर टाइट डब्बे में इसे रख लीजिए, और जब चाहे तब आप खा सकते हैं। ये 6 से 7 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, जब मन करे तब खाइए। बच्चे खाने वाले हैं तो मिर्च इसमें कम डालिए, क्योंकि मार्केट में जो मिलता है उसमें मिर्च बहुत ज़्यादा रहता है। इस तरीके से मसाले को ऐड करके अगर आप खाएंगे ना, सच बता रही हूँ, उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, और इसे आप बार बार बनाएंगे। तो मैं फिर मिलूँगी इसी तरीके से मज़ेदार वीडियो के साथ, अच्छे अच्छे डिश के साथ। तो मेरे चैनल पर बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। तो यहाँ पर मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं, मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।